लाइव टाइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो जल शक्ति विभाग मल्टीटास्क वर्कर भर्ती फिजिकल टेस्ट ले रहा है उसका अंतिम दिन है और यहाँ जो फिजिकल टेस्ट देने के लिए महिलाएं दौड़ रही है, आप देख रहे हैं कि जो फिजिकल टेस्ट रखा हुआ है इसमें महिलाएं भी भाग ले रही है और भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 163 लोग आज अंतिम दिन में पहुंचे हैं तो इनका फिजिकल टेस्ट चला हुआ है। अधिकारी जो कमेटी है वो बैठी हुई है, दस्तावेज़ों की जांच कर रहे हैं। वहीं आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ फिजिकल टेस्ट देने के लिए युवा और महिलाएं पहुंची है। आधे इंच की जो पाइप है उनके कंधे में है और उसके बाद ग्राउंड का चक्कर लगाया जा रहा है और फिजिकल टेस्ट पूरा होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर इनकी नियुक्तियां होगी। 54 पोस्टों के लिए फिजिकल टेस्ट है और इसमें 643 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है जी। तो आपकी आज जो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती चली हुई है अंतिम दिन है तो कितनी पोस्टें हैं और कितने लोग इसमें अपीयर हुए? आज इस चयन प्रक्रिया का अंतिम और चौथा दिन है। हमारे पास सरकार की ओर से 54 पोस्टें जो है सरकार से स्वीकृत होकर आई है, उसके लिए हमने 643 लोगों को कॉल किया था इन ऑर्डर ऑफ उनको मेरिट के हिसाब से और उसमें हमारे 45% से ऊपर सभी जो लोगों ने किया उनको हमने पत्र के थ्रू उनको बुलाया था और इस चयन प्रक्रिया में हमारे दो चरणों में चयन प्रक्रिया की जा रही है। पहले जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वीं, मिडल के बेस पे हम उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो उन्होंने हमारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओरिजिनल से हम क्रॉस चेक कर रहे हैं और उसके बाद हमारा दूसरे चरण में हमारी फिजिकल जो है टेस्ट है जो कि सरकार ने निर्धारित मापदंड जो निर्धारित किए हैं उनके अनुसार उनको फिजिकल टेस्ट हम सभी कैंडिडेट्स का ले रहे हैं और उसके बेस पे हमारी मेरिट बनेगी। तो लगभग हमारी एक पोस्ट के ऊपर 12 कैंडिडेट्स हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने मिल रहा है इस चयन प्रक्रिया के लिए और ये पूरे पारदर्शी तरीके से सभी पब्लिक के सामने और उनके पूरे डॉक्यूमेंट बेस्ड जो हमारी ये चयन प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स के हर चीज़ के अलग अलग अंक निर्धारित किए हैं तो यहाँ पे उनके हम उनके डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल टेस्ट के निर्धारित मापदंडों के अनुसार हम मेरिट निकालेंगे और सभी जो प्रतिभागी हैं उनको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि जो हम यही कामना करते हैं कि बेस्ट जो सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है वो यहाँ उत्तीर्ण होकर विभाग में अपनी सेवाएं दें।
और मैं सभी प्रशासन और इन सबका भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने यहाँ पे हमें फिजिकल टेस्ट लेने के लिए हमें स्पेस दिया, और लोगों भी जो दूर दराज से लोग आए, खराब मौसम होने के बावजूद आए, तो उन्होंने भी काफ़ी उत्साह से इसमें चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया, तो उन सबका धन्यवाद। और इसमें हम पूरे पारदर्शी तरीके से निर्धारित मापदंडों के अनुसार हम इस चयन प्रक्रिया को जो है अमली जामा पहना रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ जुड़े थे एक्शन जल शक्ति विभाग धर्मपुर बराड़ी, और अब आपको बताते हैं कि यहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और इस टेस्ट में अपना पूरा जो दमखम है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल टेस्ट चला हुआ है और इसमें प्रतिभागी भारी संख्या में हैं। 163 लोग आज पहुँचे हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और खेल मैदान में प्रतिभागी जो फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं वो पाइप कंधे में उठाकर भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो कम समय में पहुंचेगा उसका चयन इस प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी धर्मपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। कल लेना हो गया कल।